तो बाल थोड़े से ठीक से दिखने लगे हैं वापस से। और देखो सर्दी आ गई है, अंडा महंगा हो गया, 7 रुपए का। हो गई हूँ एक्चुअली, मेरे को जाना है मार्केट सरोजनी नगर। आप बोलोगे ये हमेशा सरोजनी नगर ही जाती है, तो क्या बात है गाइस, मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी शांति नज़र आ रही है मुझे पहली बार। लास्ट टाइम सरोजनी गई थी तो भीड़ देखी थी ना, तो गाइस मैं बोल रही थी ना कि इतनी शांति क्यों है, क्योंकि मैं गलत मेट्रो स्टेशन पे थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्चुअली जिम से आई, जिम से आने के बाद ना मैं सीधे चली गई थी शीतल के पास, और मैं सोचती थी उसे बुला लाऊंगी अपने पास से, बट वो नहीं आई। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने लगवाया ऑयल। एक्चुअली हम दोनों ने बोला था कि हम एक डे चूज़ करेंगे और दोनों एक दूसरे के ऑयल मसाज किया करेंगे, क्योंकि यार बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ने लगे बिना ऑयल की वजह से, मतलब ऑयल ना लगाने की वजह से। तो और सुबह मैं उठ के ना लगाऊंगी क्या एग, तो अभी मैं लेके आई हूँ अंडा। खाती नहीं हूँ लेकिन मैं बालों में लगा, बीच में यार छूट गया था तो पता नहीं, शायद बाल इसीलिए झड़ रहे हैं क्या पता नहीं। तो मैं लेके आई हूँ अंडा, और मैं वीक में एक बार अब लगाने लगी हूँ, लगातार 2-3 बार से लगा रही हूँ, तो बाल थोड़े से ठीक से दिखने लगे हैं वापस से। और देखो सर्दी आ गई है, अंडा महंगा हो गया, 7 रुपए का। सोचो एक अंडा 7 रुपए का, और अभी भैया बोल रहे थे कि अभी और भी महंगा हो सकता है, हो सकता है 8 रुपए का हो जाए। तो लग रहा है कि मुर्गी अब सोने का देने लगी है ना। हाँ मेरे को एक चीज़ में लाना भूल गई, मतलब अभी गई थी ब्रेड लेके आई, ब्राउन ब्रेड, दूध लेके आई, अंडा लेके आई, और मैं क्या लाना भूल गई, शहद लाना था यार मेरे को, क्योंकि मेरे को बनाना है अपने लिए पीनट बटर। मेरा पीनट बटर ना ख़त्म हो गया है, मैं 2 kg खा चुकी। तो मैं सोच रही थी ना, हाँ मुझे भैया ने रेसिपी बताई कि नेहा, भैया ने मुझे टेस्ट कराया था एक्चुअली, तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो मैंने बोला भैया ये मतलब कौन सी कंपनी का है खरीदा, तो भैया ने बताया कि उन्होंने खुद घर पे बनाया, यार बहुत टेस्टी था। मैंने कहा मैं भी इस बार अपना पीनट बटर ना घर पे ही बनाने वाली हूँ, अब इस बार मैं नहीं खरीदूंगी। तो रेसिपी उसमें ना जैसे स्वीट होता है ना, तो उसकी जगह शहद, भैया ने बताया शहद डालो तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है ऑफ कोर्स, तो वही बनाना था मेरे को। और मैं इतनी पागल हूँ ना कि मैं भूल गई, अब मैं मॉर्निंग में जाऊँगी तो मैं शहद लेके आऊँगी और फिर मैं पीनट बटर बनाऊँगी, है ना। अभी मेरी किचन बहुत ऐसी हो रही है, रूम भी, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पाता। बस मैं अभी मतलब 9:30 बजे मैं जिम से निकली थी, देन फिर मैं शीतल के पास चली गई, और वहाँ पे भी मुझे 1.5 घंटा लग गया। तो 10:15 बजे रूम पे आई, फिर वीडियो एडिट की, ठीक है शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो रोजाना जरूर डालूंगी, वो किया गाइस, बक बक बहुत हो गया, मैं काम कर लेती हूँ, है ना, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठंडी पड़ रही है ना, लेकिन सुबह मेरे को जल्दी, मतलब मैं सोची थी आज लेट उठूंगी, बट अब आदत हो गई है जल्दी उठने की, तो टाइम पे यहाँ खुल गई थी। बट अभी मुझे ना बालों में अंडा लगाना है, और नाश्ते में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं पोहे बना लेती हूँ। आसान भी रहता है और उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा पीनट्स डालती हूँ तो हेल्दी भी हो जाता है, और मुझे पीनट बटर भी बनाना है यार, जल्दी उठते हैं, एग लगा के तब नाश्ता बना के करूँगी, क्योंकि उसको थोड़ी देर सिर्फ मेरे बालों में रखना है ना, फिर कपड़े भी वॉश करना है। चलो तो गाइस फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, मैं रेडी भी हो गई हूँ। एग लगाया था आज, देखो मैंने बालों में, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ना। मैं रेडी हो गई हूँ एक्चुअली, मेरे को जाना है मार्केट सरोजनी नगर। आप बोलोगे ये हमेशा सरोजनी नगर ही जाती है, तो यार गाइस मैं चाहती थी कि आज आपको डिफरेंट मार्केट लेके जाऊँ, लेकिन क्या था ना कि जो मैं अपने लास्ट टाइम कपड़े लाई थी ना, उनमें से एक की जो चैन है ना वो ख़राब है, तो मेरे को एक्सचेंज करना है। ख़राब नहीं, थोड़ी टाइट है, तो यार पैसे खर्च किए हैं तो एक्सचेंज कर लेना चाहिए, तो वो लेके आ रही हूँ। और अगर कुछ, हाँ वो जैकेट लास्ट टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, एक जैकेट यार वो मेरी थोड़ी मतलब टाइट थी और मेरे को वही सेम चाहिए थी, तो वो उनके पास थी नहीं, तो एक वो लेके आनी है। चलो हो रहे हैं लेट, पहले जाऊँगी मैं पार्लर, क्योंकि आईब्रोज देखो काफ़ी ज़्यादा भर के आई हुई हैं, तो पहले चलती हूँ पार्लर और देन फिर हम चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट।
बाय, मार्केट में मिलती हूँ। मार्केट में नहीं, पार्लर चलते हैं, देखते हैं। क्या बात है गाइस, मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी शांति नज़र आ रही है मुझे पहली बार। लास्ट टाइम सरोजनी गई थी तो भीड़ देखी थी ना। वन मिनट में सही आई हूँ ना यार, यहीं से आई थिंक सो कि मैं सही हूँ, पता नहीं। मैं कहाँ जा रही हूँ, तो गाइज मैं बोल रही थी ना कि इतनी शांति क्यों, क्योंकि मैं गलत मेट्रो स्टेशन पे थी। अभी मैं आप भी आई हूँ, दूसरे मेट्रो स्टेशन अभी चेंज करना है, और मुझे लग रहा है मैं रात में घर वापस पहुँचूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं सरोजनी नहीं पहुँची। सरोजनी पहुँचूँगी फिर वहाँ माय गॉड बहुत लेट हो जाऊँगी। बट यार ये काम भी ज़रूरी था, चेंज करके लाना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। बाप रे भीड़। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ और अभी बनाना है मेरे को डिनर, क्योंकि मैं बाहर का आपको पता है मैं नहीं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं नहीं खाती हूँ, जबकि अलग बहुत तेज ज़्यादा भूख हो और मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो देन खा लेती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ। तो हाँ, मैं लकी को लकी की वजह से घर से निकली थी लोटस टेम्पल के लिए, लेकिन वहाँ तो वो मुझे नहीं मिली। सरोजनी में हम दोनों ने शॉपिंग की और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था बिल्कुल भी। अभी भी मैं चार्जिंग पे लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गाइज देखो, मैं ना गई थी खाली अपना एक्सचेंज करने, लेकिन वो सही था, मेरे से लगाना नहीं आ रहा था जो उसका जिपर। तो भैया ने मुझे बताया कि कैसे इसको लगाना है, तो फाइनली ये तो मैं वही उस दिन जो दिखाया था आप सबको, और मैं लेके आई हूँ एक और दो चीज़ें और नहीं ले आई, सॉरी तीन चीज़ें, एक लेके आई हूँ ये, पहन के दिखाती हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा साइज़ सही है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं है, वरना मैं वापस रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, और क्या मैं वार्मर लेके आई हूँ अपने लिए, और एक नाइट सूट गाइस मेरे को पसंद आया। अब सबके प्राइस भी आपको बताऊंगे कि कितने कितने का सारा, पहले मैं आप सबको पहन पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, फिर मुझे बनाना है खाना। ये देखो नाइट सूट निकल, ये अच्छा लग रहा है ना गाइस, पहन के पता चलेगा कैसा लग रहा है, पहन के दिखाती हूँ सारा कुछ आपको। तो गाइज़ एक तो मैंने परचेज़ किया ये वाला नाइट सूट, आप लोग बताना कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। ये मैंने 550 का ख़रीदा है, सेल लगी हुई थी 550 का। स्टफ भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो ये है, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा, और इसका मैं पूरा पिक भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद में। काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्ट्रेचुअल है, और ये दूसरा वाला जो मैंने लिया है ये है। अब गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। ये भैया ने जो प्राइस बताया 1000 था, और आफ्टर डिस्काउंट वो मुझे बोल रहे थे 900 का, बट फिर मैंने एक और थे मेरे आगे, उन्होंने बार्गेनिंग करके 800 का किया, तो मैं भी फिर उनसे 800 का ही लेके आई। तो एक ये है, आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को इसका भी स्टॉप बहुत अच्छा है यार, ये तो होगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि मैं जिस एक शॉप है मुझे वहाँ पे सरोजनी नगर में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं उन्हीं से लेती हूँ अब। तो गाइज आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, हाँ दो लोगों के बस कमेंट्स आए मेरे को लास्ट वीडियो में, तो ज़रूर करके बताना आपको मेरा जो ये व्लॉग है या मेरे मैंने जो भी कुछ खरीदा है कैसा लगा आप सबको। मैंने फाइनली मैंने सोचा कि वॉर्म अप भी पहन के दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये है मेरा आज का सारा दिन, मेरा मैंने सोचा था आज आराम पर, हाँ उठी आराम से थी, क्या आज आराम करूँगी, पर फिर मैं पूरा पूरा लोटस टेम्पल का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। देखो सोच के गई थी कालका जी जाऊँगी और चली गई लोटस टेम्पल, और पूरा आज मेरा घूमना 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 हो गया। चलो तो बाल भी हो रहे हैं, मतलब मैंने अभी कुछ भी, देखो आज मैंने एग लगाया था ना, तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने भी लगे, क्योंकि मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी और टेंशन की वजह से भी मेरे बहुत ज़्यादा झड़ गए। तो चलो बाय गाइज, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट, और कमेंट्स करना
बिल्कुल भी मत भूलना यार, किया करो आप लोग, ना लाइक करते हो ना कमेंट्स करते हो, शेयर करना तो खैर मैं सोच ही नहीं सकती कि आप लोग करोगे भी कुछ भी शेयर किसी के साथ में, तो ना तो लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो, तो कर दिया करो यार। नहीं किया अभी तक तो जल्दी जल्दी करो, कुछ भी तो किया करो यार। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो वो लिखो कि हमें नेहा ये चेंज लाओ, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, या नेहा हमें ये अच्छा लगा, नेहा ये बुरा लगा, कुछ भी बोल सकते हो यार। मैं भी तुम लोगों से खुल के बात करती हूँ सबसे, तो मेरे से खुल के बात किया करो, है ना। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।